तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं रोरोनी केंशन एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है एक जो लड़की होती है उसको चेस कर रहे होते हैं कुछ लोग, और वो बच के उन लोगों से भाग रही होती है। केंशन को ढूंढ रही होती है कराओ हर तरफ, लेकिन कराओ को केंशन कहीं मिल नहीं रहा होता। उसको लग रहा होता है कहीं वो भाग गया तो नहीं। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो आता है, वो कहता है क्यों ना उसके तो गले में डॉग कॉलर डाल दे ताकि वो तेरे से दूर ना जाए। और पता लगता है जो सानो है वो अपने साथ उसको लेके चला गया है और वो गैम्बलिंग लेके वहाँ देखने लगता है। गैम्बलिंग जो होती है वह चल रही होती है। केंशन के आइडिया के मदद से गैम्बलिंग में हर तरफ सामने जो होता है वह जीत रहा होता है। और उतने भी देखने मिलता है जो केंशन होता है वो कह रहा होता है कि गैम्बलिंग तो गलत होता है, ये चीज हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो लेकिन सानो कहता है यहाँ पे देख सकता है कि जो सारे ये केयर फ्री है और कोई भी अपने पैसे जैसा उठा नहीं रहा है, सब मजे के लिए कर रहे हैं और सारे सारे दोस्त हैं। और ऐसे ही मजे करते करते जीतने लगते हैं चीजें। और उतने में जो सानो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और उतने में देखने को मिलता है बाहर जो लड़की होती है उसको दो लोग घेर लेते हैं। और सानो कह रहा होता है तुम्हें जो सबसे ज्यादा अच्छा गैम्बलर था मैं उससे अब उसको भी हराऊंगा आज। और उतने में ही देखने मिलता है जितने भी लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो लोग बता रहे होते हैं कि वो जो योहिता था वो मर चुका है एक महीने पहले ही। तो सानो जो होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो कह रहा होता है क्या वो बीमारी से मरा है या एक्सीडेंट से। तो ये लोग बता रहे होते हैं ओपीएम की वजह से वो मरा है। ओपीएम जो होता है वो उसने बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया था जिसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है। केंशन जो होता है वो समझ नहीं पाता है और कह रहा होता है वो तो बहुत ज्यादा महंगा है और ऐसे नॉर्मल लोग कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं। और उतने में देखने मिलता है वो जो लड़की होती है वो दरवाजा खोल के आती है, सीधे केंशन को गले लगा लेती है और वो जो दो लोग होते हैं वो अंदर आ जाते हैं इसको मारने के लिए और कह रहे होते हैं वो लड़की को हमें हैंडल कर। लेकिन जो सानो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो इन दोनों को मार देता है। और उनमें से एक जो होता है वो कह रहा होता है जो कानरू प्राइवेट कंपनी है उसके लोग हैं, हम अब तक कैसे हम लोगों पे हाथ उठा सकता है। हालांकि सारे लोग जान रहे होते हैं इसको कुछ केंशन को कुछ पता नहीं होता। और जो सानो होता है वो बताने लगता है कि वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, वो आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन में रहता है जितना मुझे पता है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज करता है लेकिन वो अचानक से ही बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है और उसके पास अपनी आर्मी है। लेकिन वो काफी ज्यादा फिशी गाय है और इवन याकुजा पॉलिटिशियन अवॉइड करते हैं उससे फाइट करने के लिए और ये दोनों का मार्केट गिरा चुका होता है। और वो कहने लगता है ये जो लड़की होगी ये कानरू की गर्लफ्रेंड होगी। हालांकि वो लड़की कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। वहां देखने को मिलता है एक क्रीपी सा जो आदमी होता है वो बैठा होता है और कह रहा होता है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे और तू हमारे साथ चल, और इन लोगों को पता भी नहीं चलता ये कब अंदर आ चुका है। और वो जो आदमी होता है वो कह रहा होता है तुझे भले ही लगता होगा कि तेरे कोई चेज नहीं कर रहा है लेकिन जो कानरू है उसके तुझे हमेशा तेरे ऊपर नजर रख के रखते हैं। और जो लड़की होती है वो कहने लगती है मैं कानरू की कोई गर्लफ्रेंड हूँ नहीं तो इसलिए मेरे को चेस करना बंद करो और जाके कानरू को तू बता देना कि मैं वहाँ वापस नहीं आने वाली और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं किसी भी तरह से बच के निकल जाऊँ। दो लोग जो होते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सेंगे की रेम्बियो की मदद से उस पर अटैक कर देता है और दो लोगों को इंजर्ट कर देता है, दोनों गिर जाते हैं। उसके बाद अगेन ये इसी चीज का इस्तेमाल करता है, अटैक करने वाला होता है लड़की के ऊपर। लेकिन जो केंशन होता है वो वुडन प्लेट उठा देता है अपनी तलवार की मदद से रोक देता है और कह रहा होता है अगर तू इसी से लोगों को हर्ट करेगा या मारेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, कभी खत्म कर दूंगा। अगेन वो इस्तेमाल करने ही वाला होता है उस चीज का लेकिन सानो और केंशी दोनों उस पे जाते हैं, अटैक करते हैं, मार के नीचे गिरा देते हैं। और जो लड़की समझ जाती है कि ये दोनों जो हैं काफी ज्यादा पावरफुल हैं, स्पेशली ये रेड हेयर वाला बंदा, वो कहने लगती है वो बॉडीगार्ड बनने के लिए। लेकिन सानो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तेरी वजह से मेरे दो दोस्त जो हैं वो हर्ट हुए हैं और मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा जब तक तू इन चीजों के बारे में नहीं बता देगी। वो अपना हाथ झटकती है और देखने को मिलता है जो पैकेट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये जो पैकेट हैं ये ओपीएम के हैं। कराओ और जो गेंजी होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में लगे होते हैं और कराओ जो होती है परेशान होती है। उतने में देखने को मिलता है ये लोग वापस आ जाते हैं और वो लड़की भी उनके साथ होती है और वो उसके बाद बताता है केंशन की इसका नाम है मैगुमी तकानी और ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहने वाली है। और सानो जो होता है उसके मुंह को बंद कर देता है, कह रहा होता है कि जो लड़की है इसको हम गैम्बलिंग में जीत के लाए हैं ये हमारे साथ रहेगी और केंशन जो है उसने एक्वायर किया है। जिसको सुनकर कराओ जो होती है वो पैनिक हो जाती है, वो परेशान होने लगती है और वो केंशन से पूछने लगती है क्या ये सच है। सानो जो होता है उससे कहता है अगर तू सारी चीजें उसको बता देगा तो हमें ओपीएम के बारे में उसे बताना पड़ेगा। तो केंशन जो होता है वो कहता है कि हाँ ये सच है। और उतने में देखने को मिलता है जो कराओ होती है केंशन पर सीधे मुक्का मार के गिरा देती है और वो जो लड़की होती है वो मजे लेने लगती है, वो केंशन को पकड़ लेती है, उसे गले लगा लेती है, उसकी चिंता करने लगती है। जिसके बाद कराओ जो होती है और जलन फील करने लगती है। अब कराओ जो होती है वो तीनों को लात मार के घर में से बाहर निकाल देती है। हालांकि जो सानो होता है वो अभी भी जानना चाहता है उस पैकेट के बारे में, कह रहा होता है इस पैकेट के बारे में जल्दी जल्दी बताओ
हो, वरना इसका अंजाम जो है काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है इसके वजह से मर चुका है। फिर एक लड़का जो होता है वो भागता हुआ आता है और कह रहा होता है कि गेनो तुमको तू हॉस्पिटल ले गया, तो वो बताता है कि हाँ उन लोग को ले गया था, वो दोनों ठीक है। लेकिन वो कहता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बाहर जाके देखने को मिलता है जिन दो लोगों को इन लोगों ने हराया होता है वो दोनों मर चुके होते हैं, और सामने देखने को मिलता है जो कंड्रो ग्रुप वाले लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, और उसकी प्रेजेंस जो होती है वो इवन कैंशन को भी पता चल जाती है। जो बेसमेंट होता है उससे पूछ रहा होता है वहाँ जो स्वॉर्डमैन खड़ा है क्या उसी ने क्रश किया था नोस को, तो वो हाँ में जवाब देता है और वो पहचान जाता है। उतने में देखने मिलता है कि ऑर्डर जो होता है बेसमेंट को दे दिया जाता है कि दो लोगों को अपने साथ लेके जाए और जल्दी जल्दी वहाँ पे खत्म करे सारी चीजों को और हरा के वापस ले आए, लेकिन इसके बाद कोई फेलियर में अलाउ नहीं करूंगा, अगर फेल हुआ तो इसकी जिंदगी ले ली जाएगी। अब इन लोगों को पता चल जाता है केंड्रो जो होता है वहीं खड़ा होता है, हालांकि जो कैंशन जो होता है वो कहता है कि जो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो वहाँ पे लंबा वाला आदमी जो है वो है। और फिर जो लड़की होती है वो बताने लगती है कि ये जो है ये एक लीडर है और ये सेपरेट है इनकी प्राइवेट आर्मी से, ये एक ऐसे ग्रुप को चलाते हैं इनको कहा जाता है ओनमित्सु, जो कि एक ट्रिक्स्टर्स होते हैं और अपने ट्रिक की मदद से ओडो एरा के अंदर इन्होंने तबाही मचा रखी होती है। इनके जो कॉम्बैट स्किल होती है काफी ज्यादा हाई होती है और इनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसको ये पता रहता है कि जो लड़का है रेड हेयर वाला ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़की से ले रहा होता है, कैंशन सारी चीजों को नोट कर रहा होता है, हालांकि जैसे ही ओपीएम के बारे में बात आती है वो चुप हो जाती है और वो चीजें नहीं बताती है। और उसके बाद वो जो पूरी लिस्ट होती है वो लेके आता है, और कराव जो होती है वो पैनिक कर रही होती है, रो रही होती है, और सानो जो होता है उससे कहता है कि चिंता मत कर कैंशन बिल्कुल अलग है इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैंशन जो होता है वो बाहर आता है, वो पेपर दे देता है सानो को और कह रहा होता है कि ये सारी चीजें हैं इनको याद रखना, और वो कराव के पास जाता है और कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, पिछली बार जैसे जीने के साथ हुआ था वैसा नहीं होने वाला है, और जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मैं सारी चीजें तुझे जरूर बताऊंगा। उतने में देखने को मिलता है तीन बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं मेगुमी को हैंड ओवर करा जाए, और उसी के साथ समझ आता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो एपिसोड जो था काफी अच्छे से आगे जा रहा है, स्टोरी काफी अच्छे से बिल्ड हो रही है, और आगे देखने लायक होगा कि स्टोरी आगे कहां ले जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।